हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग इस वीडियो में लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे कि किसी भी फंक्शन को लॉगरिथमिक मेथड से किस तरह से आसानी से डिफरेंशिएट किया जाता है। हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें लॉगरिथमिक मेथड से किसी का डिफरेंशिएशन करना है तो बड़े आसानी से कर लेते हैं। जैसे हम एक सिंपल सा अगर क्वेश्चन लें, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू ई पावर x अपॉन साइन x गिवन है और हमें फाइंड करना है dy by dx फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्वाइसेंट मेथड और डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को बाय द लॉगरिथमिक मेथड से अगर हम सॉल्व करें तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग काफ़ी लंबा फार्मूला यूज करना पड़ता है, और अगर हम इसे लॉगरिथमिक मेथड से सॉल्व करें तो आसानी से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। y इक्वल टू गिवेन है आपका e पावर x अपॉन साइन x, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हम दोनों हैंड साइड में लॉग ले लेंगे पहले, तो लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये log y इक्वल टू log e पावर x अपॉन साइन x। अब यहां पर राइट हैंड साइड में हम लॉगरिथमिक रूल लगा देंगे, log m अपॉन n इक्वल टू होता है आपका log m माइनस log n, यानी ये लिख सकते हैं हम लोग log y इक्वल टू log e पावर x माइनस log साइन x। ये अभी तक केवल सिंपल सिंप्लीफिकेशन हुआ है, अभी हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने चल रहे हैं। यानी हमारे पास वैल्यू आई है log y इक्वल टू log e टू द पावर x माइनस log साइन x। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यानी dy by dx log y इक्वल टू d by dx log e पावर x माइनस d by dx log साइन x। अब हमें जो भी फार्मूले पता हैं या जो भी मेथड पता है उसकी हेल्प से इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब पहले अगर हम log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह होगा आपका 1 अपॉन y, और y का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह हो जाएगा आपका dy by dx। राइट हैंड साइड में आ जाते हैं, log e पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह होगा आपका 1 अपॉन e पावर x। अभी e पावर x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह होगा आपका e पावर x माइनस log sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह होगा आपका 1 अपॉन sin x। अभी sin x का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, इसको हमें फिर से यानी चैन रूल में मैंने जैसे कहा था कि अंतिम तक हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, किसी भी स्टेप को हमें छोड़ना नहीं है। तो sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह हो जाएगा आपका cos x। यहां से e पावर x कैंसिल, यानी आपकी वैल्यू बची 1 अपॉन y dy by dx इक्वल 1 माइनस cos x अपॉन sin x मींस cot x। y को अगर हम इस हैंड साइड में भेज दें तो dy by dx इक्वल टू हो जाएगा आपका y इंटू 1 माइनस cot x। अब हम क्वेश्चन से y की वैल्यू पुट कर सकते हैं आसानी से, तो हमारा आंसर हो गया dy by dx इक्वल टू e पावर x अपॉन sin x 1 माइनस cot x। तो लॉगरिथमिक मेथड से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं,
क्वेश्चन हमें दिया है y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x। यह भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम लोग इसको प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करना चाहें तो उस मेथड से भी आसानी से सॉल्व हो सकता है, लेकिन वह लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम इसे लॉगरिथमिक मेथड से सॉल्व करें तो शायद बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर हमें वही काम करना है, दोनों हैंड साइड में लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यह हो जाएगा आपका लॉग वाई इक्वल टू लॉग कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स। अब यहां पर हम लोग लॉगरिथमिक का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमें पता है लॉग एम एन इक्वल टू होता है आपका लॉग एम प्लस लॉग एन। इसका यूज अगर हम लोग करेंगे तो लिख सकते हैं लॉग वाई इक्वल टू लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस टू एक्स प्लस लॉग कॉस थ्री एक्स। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाय डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी बाय डी एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस डी बाय डी एक्स लॉग कॉस टू एक्स प्लस डी बाय डी एक्स लॉग कॉस थ्री एक्स। अब हमें जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले पढ़े हैं उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें इसको केवल अब डिफरेंशिएट कर देना है और बड़े आसानी से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब जैसे log y का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले क्या होगा आपका 1 अपॉन y, और अभी y बचा है इसको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हो गया आपका dy by dx। log cos x का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा आपका 1 अपॉन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा आपका माइनस साइन x प्लस log cos 2x का डिफरेंशिएशन करना है तो यह होगा आपका 1 अपॉन cos 2x। अभी cos 2x का नहीं हुआ है तो यह हो जाएगा पहले आपका माइनस साइन 2x। लेकिन अभी 2x का भी नहीं हुआ है, 2x को हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है। चेन रूल के अकॉर्डिंग हर पार्ट का डिफरेंशिएशन करते जाना है। 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह हो गया आपका 2। ऐसे ही अगले टर्म का भी डिफरेंशिएशन कर देना है तो यह हो जाएगा आपका 1 अपॉन cos 3x माइनस sin 3x इंटू 3। अब इसको हमें केवल थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है तो यह हो जाएगा आपका 1 अपॉन y dy by dx इक्वल टू sin x अपॉन cos x, यह हो गया आपका माइनस tan x प्लस यहाँ पे 2 पहले से है तो 2 को हम आगे लिख लेंगे, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस 2 tan 2x, माइनस 3 है यहाँ पर 3 tan 3x। अब y को केवल हमें इस हैंड साइड में भेज देना है तो यह हो गया आपका dy by dx इक्वल टू y इंटू माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। अब हम अगर y की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा आंसर हो जाएगा, आप लास्ट आंसर यहां पर भी छोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं होता। या तो आप y की वैल्यू क्वेश्चन से पुट कर दीजिए या तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, यही हमारा लास्ट आंसर हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि लॉगरिथमिक मेथड से कितना भी बड़ा यानी कितना भी डिफिकल्ट डिफरेंशिएशन आपका दिया हो तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लॉग के कुछ रूल हमेशा याद रखने होंगे। लॉग के कुछ रूल जो होते हैं हम उसको एक बार फिर से डिस्क्राइब कर देते हैं।
लॉग का जो पहला फार्मूला होता है जिसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं, लॉग एम एम इक्वल टू होता है आपका लॉग एम प्लस लॉग एन। यानी अगर हमें प्रोडक्ट फॉर्म में दिया गया है तो हम उसको प्लस फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकेंड रूल जिसको हम डिवीजन रूल कहते हैं, लॉग एम बाई एन के फॉर्म में दिया है तो इसका फार्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। तीसरा जिसे हम पावर रूल कहते हैं, लॉग एन टू द पावर एन अगर दिया गया है तो एन यानी जो पावर है वह पहले चला जाता है, यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं एन लॉग एम। यह तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसका यूज आपको डिफरेंशिएशन में हर क्वेश्चन में कर सकते हैं, और इसकी हेल्प से आप किसी भी डिफिकल्ट डिफरेंशिएशन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसकी हेल्प से यानी इस इन लॉग के जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं इन्हीं की हेल्प से एक क्वेश्चन और हम करके आपको दिखाते हैं। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन आपका गिवन है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। यह क्वेश्चन देखने में काफी डिफिकल्ट लग रहा है, हम इसे अगर करना चाहें तो डिवीजन रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन वह मेथड आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा और अगर कोई भी स्टेप गलत हुआ तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को लॉगरिथमिक मेथड से करें तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। हम इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री x माइनस फोर एक्स माइनस फाइव की होल पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट है इसलिए हमने इसकी पावर 1/2 लिख दिया। अब अगला स्टेप आपको क्या करना होता है, दोनों हैंड साइड में लॉग ले लेना है। तो ये हो गया आपका लॉग y इक्वल टू लॉग x माइनस वन x माइनस टू x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव की पावर 1/2। अब अगर यहां पे हम लोग पावर रूल लगाएं तो पावर रूल लगाएंगे तो क्या होगा, log y इक्वल टू 1/2 log x माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। अब यहां पर हम लोग प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल भी लॉग का यूज कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होगा आपका 1/2 लॉग एक्स माइनस वन, यहां पर प्रोडक्ट है तो बीच में क्या साइन हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स माइनस टू, और ये डिवीजन के फॉर्म में दिया है, साइन आपका क्या होगा माइनस, यानी माइनस साइन के साथ लॉग एक्स माइनस थ्री। बीच में साइन आपका माइनस होता है लेकिन इस माइनस की वजह से सब प्लस होता जाएगा, प्लस लॉग एक्स माइनस फोर प्लस लॉग एक्स माइनस फाइव। यह हो गया अभी हमारा सिंप्लीफिकेशन। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। अब इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को केवल डिफरेंशिएट करना है। अब हम सिंपल सा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बार बार हम डी बाई डी एक्स नहीं लिख रहे हैं। लॉग वाई का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह होगा आपका 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1/2 लॉग एक्स माइनस वन का अगर हम लोग
डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, log x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x माइनस 5। अब हमें क्या करना है, y को केवल इस हैंड साइड में भेज देना है, आपका dy by dx फाइंड हो गया, यानी dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 y इनटू 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 4 प्लस 1 अपॉन x माइनस 5। ये हमारा लास्ट आंसर हो गया।